हेलो एवरीवन, राधे राधे, कैसे हैं आप सभी। तो ये देखिए, ये है केदारनाथ जी और तुंगनाथ जी का प्रसाद जो मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह की पैकिंग मिली थी और इसमें ये था पटका और प्रसाद था। तो ये लेके आई थी ना, तो मैं बस इसको प्रसाद को बना रही हूँ, पैकेट बनानी है क्योंकि बांटना है प्रसाद जहाँ जहाँ देना है वहाँ। तो इस तरीके की मतलब पॉलीथीन जो होती है ना पैकेट, वो मैंने मंगा लिए थे और इसमें मैं प्रसाद भर भर के मतलब दे दूँगी इनको, और ये जहाँ देना होगा वो दे देंगे। और आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपने सारे त्योहारों की कुछ कुछ क्लिप, दीपावली की, अहोई अष्टमी की और गोवर्धन पूजा की और भाई दूज की, जो जितनी इतनी मैंने बनाई थी सारी क्लिप मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप प्लीज़ ज़रूर से देखिए, क्योंकि मैंने पूछा था तो मुझे कुछ कमेंट आए थे कि हाँ ज़रूर से बनाइएगा। तो मैंने कहा चलो बना देती हूँ, क्योंकि मैंने बनाई तो थी लेकिन वीडियो एडिट नहीं हो पाई थी, तो अभी मैं शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर जो है ये है अहोई अष्टमी की पूजा। तो अहोई अष्टमी की पूजा में बस वही जैसे कि हम करते कलश भर के रखते हैं और धूप दीप इनसे पूजा की जाती है, तो यहाँ पे अहोई अष्टमी की पूजा कर रही हूँ। तो बस पूजा करने के बाद ऊपर यहाँ पे आ गए हैं तारों को अर्घ देने के लिए। तारों को अर्घ दिया जाएगा फिर बच्चों के भी। अहोई अष्टमी की पूजा के बाद फिर हमने की थी घर की साफ़ सफाई। साफ़ सफाई के बाद अभी आज है दीपावली का दिन और मैं यहाँ पे लगा रही हूँ चौकी दीपावली पूजा की। तो लक्ष्मी गणेश जी हम लोग ना मिट्टी के भी लाते हैं और चांदी के भी घर पे हैं तो वो भी रख लेते हैं, और जो मिट्टी के लाते हैं वो भी हर साल लेके ही आते हैं, क्योंकि हर साल लाने चाहिए। देखिए अगर यही सब सोच लेंगे तो जो लोग बनाते हैं इंतज़ार करते हैं साल भर, तो उनको फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा ना। वो भी एक साल भर इंतज़ार करते हैं इसी चीज़ का कि हमारी भी कुछ आमंदनी हो। तो इस तरीके से हम तो हर साल ही मंगाते हैं। तो यहाँ पे बस मैंने चौकी जो है वो लगा दी है और अभी मैं फूलों से स्वास्तिक बना रही हूँ। तो बस उसके बाद चौकी वगैरह सब लग गई थी, पोस्टर लगा दिया था, उसके बाद में यहाँ पे लिखा जाता है शुभ लाभ और स्वास्तिक बनाया जाता है। वैसे तो पूर्ण स्वास्तिक हम पूरा स्वास्तिक बनाते हैं तो उसमें सभी कुछ होता है, शुभ लाभ भी होते हैं और रिद्धि सिद्धि और गणेश जी का स्वरूप माना जाता है स्वास्तिक, तो ये पहले ज़रूर बनाया जाता है। तो बस यहाँ पर ना
वही बना रही हूँ। हमारे यहाँ रोली से बनता है, कहीं कहीं ये सिंदूर से बनता है, मेरे मायके में सिंदूर से बनता है और यहाँ पर रोली से बनता है, तो बस वही बना रही हूँ। इसी पे जो है चांदी का सिक्का लगाया जाएगा, उसकी भी पूजा होगी, तो बस इस तरीके से पूजा होगी। आरती वगैरह होने के बाद घर में जो दिए जलाए जाते हैं ना 21-11 जो भी, वो हम पूरे घर में ही लगाते हैं उन दियों को, तो बस मैं वही लगा रही हूँ, उसके बाद छत पे जाएंगे। इतना ही वीडियो था, अभी जो है ये है गोवर्धन पूजा का वीडियो। तो गोवर्धन तो देख लीजिए मेरे, बहुत ही सुंदर बने थे, अब की बार बहुत ही प्यारे, मतलब ऐसा लग रहा था कि बस इनको देखते ही रहो, बहुत ही खूबसूरत बने थे। तो बस यहाँ गोवर्धन की पूजा हो रही है। और यहाँ उसके बाद गोवर्धन पूजा के अगले दिन जो है दौज होती है भाई दूज, तो मैं तो नहीं गई थी क्योंकि दीदी आई थी, इसलिए मैं नहीं गई थी, तो मैं घर पे ही पूजा कर रही हूँ। दौज की पूजा हमारे यहाँ वहीं होती है जहाँ गोवर्धन की पूजा होती है, गोवर्धन उठाए जाते हैं, उसके बाद में वही चौक लगा करके और फिर दौज माता की कहानी होती है, पूजा होती है। तो मैं गई नहीं थी, तो मैंने सिक्कों पे ही तिलक कर दिया है और आरती पूजा और टीका मैं अपने लड्डू गोपाल जी के कर दूंगी। ऐसा कहते हैं ना, मतलब पहले हम गोले पे ही कर लिया करते, लेकिन कहते हैं कि गोले पे टीका नहीं करना चाहिए, गोला जो होता है ना वो भाई का मस्तक समझ के हम गोले पे टीका करते हैं, फिर उसको फोड़ के खाते भी हैं, खा भी लेते हैं, तो इसलिए कभी नहीं ये करना चाहिए। तो मैं फिर जब से मुझे पता चला था, तो मैं सिक्के पे ही टीका करती हूँ, ये सिक्के में उठा के रख देती हूँ। यहाँ पे मम्मी और मैं दोनों ही कर रहे थे पूजा, और उसके बाद मैंने अपने लड्डू गोपाल जी के टीका किया और उनको मैंने दौज की, क्योंकि इनसे बड़ा तो कोई ही नहीं है। मैं हमेशा जब नहीं जाती हूँ तो इन्हीं के, वैसे भी करती हूँ इनके, जाऊँ या ना जाऊँ, तो मैं अपने लड्डू गोपाल जी के भाई दौज कर रही हूँ। और फ्रेंड्स इसके बाद में जो है ये क्लिप मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, वो है भागवत की। बहुत ही बढ़िया विशाल भागवत हुई थी हमारे यहाँ पे, हमारे मिलने वालों के यहाँ पे। तो मैं गई थी दौज के बाद, मतलब शुरू तो दौज के अगले दिन हो गई थी,
लेकिन दीदी आई थी, 2-3 दिन रही थी, कोई क्लिप उसकी नहीं बन पाई थी, तो मैंने कहा चलो आज आपके साथ ये भी शेयर करती हूँ।